नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आप बहुत दिनों से देखते हुए आ रहे होंगे, बहुत से एपिसोड आपने देखे, और ये कार्यक्रम है आओ चलें अमेरिकी ओर। अब अमीर बनना हाथ की बात नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, हाथ की बात भी है। अर्थात जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो धन हमारे पास में नहीं आएगा। परमात्मा ये कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अवसर दूंगा, उस अवसर का लाभ आपको उठाना है। वो क्या, मैं बरसात करूंगा, आप हल चलाओ। मैं तुम्हें बीज उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन दाना आपको डालना है। उसको उगाऊंगा मैं, लेकिन सींचना आपको है। उसके अंदर दाना भी मैं डालूंगा, लेकिन उसकी सुरक्षा आपको करनी है। उसको पकाऊंगा मैं, लेकिन काट करके खाना आपका काम है। और उसको पाचन भी मैं करूंगा, लेकिन एक बात है, मैं आपको अवसर देता चला जाऊंगा, उस पे ऊपर काम करना आपका काम है। अर्थात कर्म बहुत जरूरी है, कर्म के बिना परमात्मा भी साथ नहीं देता है। और दूसरे नंबर पर आ जाता है भाग्य। अगर भाग्य नहीं है, आपने खूब अच्छी खेती की, लेकिन पाला पड़ गया, ओले पड़ गए, बरसात ही नहीं हुई, तो कुछ प्रकृति प्रदत्त भी कारण बन जाते हैं। और इसके साथ साथ भाग्य जो है पूर्व जन्म से हम लेकर के आते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, अच्छा भाग्य लेकर के हम आते हैं, अच्छी पढ़ाई हम करते हैं, अच्छा संग और संगति हमको प्राप्त होती है, अच्छा संयोग हमको प्राप्त होता है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर कुकर्म करके आए हैं तो फिर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम कष्टों को ही भोगते रहते हैं। तो भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है। अब तीसरा एक कारण और है जो आपको अमीर बना सकता है, और वो है वास्तु। देखिए, भाग्य तो जो था उसमें तो हम क्या करेंगे, कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा तो कर्म भी हमारे सफल नहीं हो पा रहे। तो आइए, तीसरा एक कारण बनता है हमें अमीर बनाने में वास्तु। वास्तु अगर हमारे अनुरूप है, अगर अनुरूप नहीं भी है तो हम उसको वास्तु के अनुरूप निर्माण कर सकते हैं, और वो हमें अमीरी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन वास्तु हम सुधार सकते हैं। अब उन्हीं पहलुओं में से एक पहलू मैं आज आपको दे रहा हूं जो आपको अमीर भी बना सकता है और आपको अमीरी से गरीबी की तरफ भी ले जा सकता है। देखिए सज्जनों, मकान कहीं भी है, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक दरवाजा होना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा प्रमुख है, और वो प्रमुख दरवाजा है हमारा मुंह। जितनी भी ऊर्जा है, एनर्जी है, जो खाने के तत्व हैं, यहीं से जाते हैं। और दरवाजा ही हमारा सही नहीं हो, अर्थात खान पान ही हमारा सही नहीं हो, हम असली ऊर्जा हम नहीं ले रहे, तो शरीर का पोषण कैसे होगा। तो उसके अंदर जो है वास्तु के अंदर भी दरवाजे का महत्व होता है, और दरवाजा वास्तु का मुंह होता है। अब पूरे प्लॉट के अंदर देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब यहां पर हम संभावित 32 दरवाजे हम बना सकते हैं। 8 दरवाजे इधर बना सकते हैं, 8 इधर, 8 इधर, हम 32 दरवाजे हम बना सकते हैं। लेकिन 32 दरवाजे क्या पूरे के पूरे मकान का दरवाजा ही थोड़ी बना देंगे हम, तो उसमें से एक स्थान हमें नियुक्त करना पड़ेगा कि हमें दरवाजा कहाँ बनाना है। तो उसके अंदर 8 दरवाजे, 2 ईस्ट की तरफ, 2 नॉर्थ की तरफ, 2 वेस्ट की तरफ, 2 साउथ की तरफ,
ये आठ दरवाजे हैं। इन आठ दरवाजों में चार दरवाजे ऐसे होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और चार दरवाजे ऐसे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, नेगेटिव एनर्जी वहां से प्राप्त होती है। तो जहां से नेगेटिव एनर्जी प्राप्त होती है उन दरवाजों को हमें नहीं रखना चाहिए अगर हमें अमेरिकी तरफ आगे बढ़ना है। ये नहीं है जहां देखा जहां सुविधा देखी उसी के अनुसार आपने दरवाजा बना लिया। अगर मनमाने ढंग से आप चलेंगे तो वास्तु आपका साथ नहीं देगा, वहां पर विपरीत स्थिति भी आपकी पैदा हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं नेगेटिव दरवाजे आपको बता रहा हूं। देखिए पूर्व की तरफ यहां पर दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा ये है जिसमें एरो लगा हुआ है, एक दरवाजा ये है, यानी एक है पूर्व से और नॉर्थ ईस्ट के बीच के अंदर और दूसरा है साउथ ईस्ट के अंदर जिसको अग्निकोण कहा जाता है। अब इन दो दरवाजों में से एक दरवाजा सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है और एक दरवाजा नकारात्मक ऊर्जा देने वाला है। अगर यह दरवाजा आपने बना दिया तो यह नकारात्मक ऊर्जा देगा, वहां पर नेगेटिव एनर्जी जो है पनपेगी और वहां पर रहने वाले आपस के अंदर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, एक साथ बैठ नहीं सकते। जब बैठे तो कोई ना कोई बात ऐसी छिड़ जाएगी जिस बात से विवाद हो जाएगा और विवाद से जो है संग्राम हो जाएगा। तो ये दरवाजा दूसरा अर्थव्यवस्था को बिगाड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बिगाड़ता है और तीसरे नंबर पर आगजनी वहां पर हो जाती है। घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कहीं भी आपके ये दरवाजा है तो वहां पर आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। और चौथे नंबर पर वहां से चोरियां होती हैं, चाहे घर वाले ही चोरी करें, चाहे नौकर चोरी करें और चाहे चोर आकर के चुरा करके कुछ भी ले जाए। तो ये दरवाजा आप यहां पर नहीं बनाएंगे अगर आपने जीवन में उन्नत होना है तो। तो भाई पूर्व की तरफ अब दरवाजा हम कौन सा बनाएं? तो पूर्व की तरफ ये दरवाजा हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा देने वाला होगा। ये अगर दरवाजा होगा सबसे पहले हमारी बुद्धि सुधरेगी, वहां से जो है पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है, अच्छी सोच हमारी होती है, अच्छी समझ हमारी होती है, हमारा मस्तिष्क अच्छा काम करता है और वहां पर रहने वाले स्वस्थ रहते हैं, धन की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ जब हम चले तो उत्तर में भी दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा नकारात्मक ऊर्जा देता है और दूसरा दरवाजा सकारात्मक ऊर्जा देता है। अब यहां पर सबसे पहले हम नकारात्मक ऊर्जा देने वाले दरवाजे को देखते हैं और वो दरवाजा है नॉर्थ वेस्ट का। अगर ये दरवाजा आपने दिया, अब दरवाजे भी भूमि के अनुसार बनाने पड़ते हैं, नक्शे के अनुसार बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये दरवाजा अगर आपने दिया तो भाई वहां पर शत्रुताएं होंगी, दुश्मनियां होंगी, मुकदमे होंगे और मुकदमों में धन व्यय होगा, उनमें उलझे रहेंगे, कमा नहीं सकेंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ का दरवाजा आपके आबादी के लिए नहीं है, अर्थात आपको उन्नत करने के लिए नहीं है। तो अब हम दरवाजा कौन सा लें? ये वाला दरवाजा ले लीजिए, वहां से लेकर के और यहां तक का आप कोई भी दरवाजा आप ले लीजिएगा, वो आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेके आएगा, धन का आगमन होगा, धन में घर में खुशियां होंगी, धन की वृद्धि होगी, मस्तिष्क ठीक चलेगा और पैसे आप गिनते रहेंगे। ये दरवाजा आपके लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करने वाला है। अब चलते हैं हम दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में भी दो दरवाजे हो सकते हैं, होने को तो पूरी जगह में कहीं भी हम दरवाजा बना सकते हैं, लेकिन आदमी क्या करता है, कोई भी कॉर्नर पर दरवाजा लेता है। तो यहां पर अगर हम दरवाजा लेंगे तो इस जगह पर आपको दरवाजा नहीं लेना है, साउथ वेस्ट के अंदर दरवाजा नहीं लेना है, ये नकारात्मक ऊर्जा देता है। यहां से ये राहु का स्थान है तो भूत प्रेत पिशाच आत्महत्या जैसी जो है परेशानियां यहां पर आती हैं, या आत्महत्या की भावनाएं बनना, बार बार भावनाएं बनना,
कि जीवन को नष्ट कर दो, जीवन को नष्ट कर दो। या फिर ऊपरी बाधाएं आती हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग यहां पर दरवाजे वाले के ऊपर सबसे ज्यादा होता है, तो यहां पर दरवाजा मत बनाई है। अर्थ हानि का कारण, धन हानि का कारण बनता है, शरीर का भी नुकसान और धन का भी नुकसान, मान सम्मान का नुकसान, इज्जत का नुकसान, तो जीवन में फिर जी करके करोगे क्या? इसलिए यहां का दरवाजा मत बनाइए। अगर उन्नत होना है, उन्नति के शिखर पर जाना है, वास्तविकता में तो यह है कि साउथ की दिशा का दरवाजा कोई भी ठीक नहीं होता, लेकिन इस पूरी दिशा के अंदर एक ये दरवाजा है जो आपको कुछ मदद कर सकता है। तो अगर साउथ फेसिंग आपका मकान है तो साउथ ईस्ट के अंदर यहां पर दरवाजा बनाइए, और उसमें भी अगर उन्नत होना है तो फिर उत्तर की मंजिल नीची और दक्षिण की मंजिल ऊंची कर दीजिए। आप उन्नत होते चले जाएंगे, अमीरी की तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम चलते हैं पश्चिम दिशा के अंदर, यहां पर हम कौन सा दरवाजा बनाएं? तो पश्चिम दिशा के अंदर भी एक दरवाजा यह है, एक दरवाजा यह है। ये पश्चिमी दिशा का साउथ वेस्ट, ये दिशा भी वही जो है परिणाम देता है जो साउथ की तरफ में दे रहा था, यानी अनर्थ, अनहोनी, आत्महत्या, डाका, चोरी और ऐसे ऐसे रोग जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते। तो स्वास्थ्य और धन दोनों की बर्बादी इसके अंदर है, तो ये दरवाजा आप ना बनाएं। और अब आपको चाहिए कि पश्चिम के अंदर मध्य से थोड़ा सा उधर उत्तर की तरफ ये जगह लेकर के और आपको यहाँ का दरवाजा बनाना चाहिए, जिससे कि आप जीवन में सफल भी हों, आपका व्यापार भी सफल हो, आपका घर भी स्वस्थ रहे और सब जो है आगे उन्नति की तरफ बढ़ते चले जाए। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी की आवश्यकता है तो हमारी पुस्तकें भी हैं लिखी हुई, उन पुस्तकों से भी आप जानकारी ले सकते हो। इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके आपका कोई भी स्थान है, निर्मित है, अनिर्मित है, निर्माण करना है, कुछ उसमें परिवर्तन करना है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के मिल भी सकते हैं और आप अपने साइट के अंदर बुला भी सकते हैं। चाहे आपका होटल है, चाहे आपका फार्म हाउस है, चिकित्सालय है, आपकी फैक्ट्री है, मकान है, दुकान है, जो भी है, उसके लिए आप सलाह ले करके और आगे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये तीन पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियाँ, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये दो नंबर की पुस्तक और तीसरे नंबर की पुस्तक है, जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन तीन पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।